हेलो माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी जिसमें मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाली हूँ जो आप डार्क सर्कल जैसी कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है आप उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डार्क सर्कल आखिर क्या होता है? तो जब भी हमारे आईज़ के अराउंड या फिर हमारे आईज़ के नीचे की तरफ ब्लूइश या फिर डार्क डिस्कलरेशन होने लग जाए तो उसी कंडीशन को हम लोग डार्क सर्कल कहते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि डार्क सर्कल के साथ ही साथ हमें आईज़ के नीचे पफिनेस भी हो सकती है, स्वेलिंग भी हो सकती है। ये कंडीशन मेल और फीमेल दोनों में ही कॉमन है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चों में भी डार्क सर्कल्स होने लग जाते हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि डार्क सर्कल्स एल्डर लोगों में होने लग जाता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ने लग जाती है डार्क सर्कल भी बढ़ने लग जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके फैमिली में किसी को डार्क सर्कल है तो हो सकता है कि आपको भी इन फ्यूचर डार्क सर्कल जैसी कंडीशन होने लग जाए। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों का कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है उन लोगों में डार्क सर्कल बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू फेयर पीपल। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को डार्क सर्कल होने का। तो सबसे कॉमन रीज़न ऐसा कहा जाता है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा सोते हैं, आप ओवर स्लीपिंग करते हैं तो ऐसे लोगों में डार्क सर्कल बहुत ही जल्दी होने लग जाता है। इसके अलावा अगर आप फैटीग, आप थकान ज़्यादा फील करते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल एजिंग भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज आप कह सकते हो। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी वैसे हो सकता है कि आपके आईज़ के नीचे डार्क सर्कल्स होने लग जाए। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट कॉज आप कह सकते हो, अगर आप बहुत ही ज़्यादा लैपटॉप का, कंप्यूटर का या फिर कुछ ज़्यादा ही फ़ोन का यूज़ करते हैं, आईज़ को स्ट्रेनिंग होने लग जाए, स्ट्रेस फील होने लग जाए तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन होना भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज आप कह सकते हैं। अगर आपको बार बार एलर्जी की कंप्लेन रहती है तो हो सकता है कि आपको डार्क सर्कल होने लग जाए। एलर्जी की वजह से हो सकता है कि आपको आईज़ के नीचे इचिंग होने लग जाए। अगर आप ज़्यादा इचिंग करते हैं तब भी आपको डार्क सर्कल की कंप्लेन हो सकती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि डिहाइड्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर आप पानी कम पीते हैं, आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हैं तब भी आपको आईज़ के नीचे डार्क सर्कल होने की कंडीशन बढ़ जाती है। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा धूप में जाते हैं, आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा है तब भी आपको डार्क सर्कल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जेनेटिक एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपकी फैमिली में किसी को हिस्ट्री है तो आपको भी ये कंडीशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप डार्क सर्कल जैसी कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप फॉस्फोरिक एसिड मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है जो फैटिक फील करते हैं, जिन्हें मेंटल और फिजिकल वीकनेस रहती हो। इन लोगों के आईज़ में ऐसा देखा जाता है कि ब्लूइश डिस्कलरेशन होने लग जाता है। डार्क सर्कल के साथ ही साथ आपको ब्लूइश रिंग भी दिखाई देने लग जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है, आप फेरम मेट का यूज़ कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। फेरम मेट उन लोगों के लिए इफेक्टिव मेडिसिन है जिनके अंदर खून की कमी होती है, जिन्हें एनीमिया की कंप्लेन होती है। तो अगर आपको एनीमिया के वजह से या फिर डिहाइड्रेशन के वजह से डार्क सर्कल होता हो तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है सीना। सीना आप बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। कई सारे बच्चे होते हैं जिनके आईज़ के नीचे पफिनेस होने लग जाता है, उन्हें डार्कनेस होने लग जाती है। इसके अलावा ऐसे बच्चे मेंटली काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल होते हैं और चिड़चिड़ापन फील करते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चों को वर्म्स होने लग जाते हैं तो उसके बाद भी उन्हें डार्क सर्कल की कंप्लेन होने लग जाती है या फिर स्किन में कई तरीके के डिस्कलरेशन होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलिफोस। आप कैलिफोस मेडिसिन का यूज़ 30 पोटेंसी में कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा टेंशन या फिर स्ट्रेस के वजह से डार्क सर्कल होता हो तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेंटली वीक फील करते हैं, एग्जॉस्टेड फील करते हैं तब आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने आपको बताया जो आप डार्क सर्कल जैसी कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।